जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के लोगों का वर्गीकरण का एकमात्र मूलभूत आधार सामाजिक गैर बराबरी अर्थात छुआतपात रहा है। ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैर बराबरी की वजह से ही आरक्षण दिया गया है, तो ऐसे में जाति के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले समुदाय के बीच आरक्षण का बंटवारा करना ये पूर्ण रूप से अनुचित, असंवैधानिक व गलत है, क्योंकि दलितों व आदिवासियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य जात पात व छुआछूत की बुराइयों को दूर करना था। साथ ही दिनांक 1 अगस्त 2024 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति का उप वर्गीकरण कर सकते हैं, जो कि असंवैधानिक है एवं उचित नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय का उप वर्गीकरण, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है, इसे अब राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जाएगा। जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों को हाशिए पर धकेल देंगे और उनके लिए पक्षपात का माहौल बनाकर अपना उद्देश्य पूरा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के इस उप वर्गीकरण के कारण काफी पद रिक्त रह जाएंगे और आगे चलकर फिर उन पदों के अनारक्षित श्रेणी में तब्दीली हो जाने की प्रबल संभावनाएं होंगी। अतः जिस मुख्य उद्देश्य के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को आरक्षण दिया था, उसे अब एक प्रकार से प्रभावहीन बना दिया जाएगा, अर्थात खत्म कर दिया जाएगा। वैसे भी खासकर बीजेपी, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी आदि हमेशा से ही एससी व एसटी वर्गों को मिल रहे आरक्षण के विरुद्ध रहे हैं, और इसलिए इनके वकीलों ने उप वर्गीकरण की काफी जोरदारी से कोर्ट के सामने अपनी दलीलें भी रखी हैं, और इसे खत्म करने की सिफारिश में ये पार्टियां हमेशा प्रयासरत रहती हैं। समाजवादी पार्टी ने तो संसद के भीतर ही पदोन्नति में आरक्षण संबंधी बिल को ही बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत से फाड़ दिया था, जिसे आज तक केंद्र सरकार संसद में दोबारा नहीं ला सकी है, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के नागराज के निर्णय एससी व एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण संबंधी लाभ से वंचित रहना पड़ा है, तथा अब इसी प्रकार से इस नए निर्णय दिनांक 1 अगस्त 2024 के तहत अंत में हमेशा के लिए ही इन वर्गों को आरक्षण से वंचित रहेगा, और इससे फिर बीजेपी, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी आदि को आरक्षण खत्म करने के लिए इन्हें संविधान बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही कारण है कि इन पार्टियों ने केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की तरफ से उचित पैरवी भी नहीं की है और काफी कुछ उप वर्गीकरण के पक्ष में दलीलें रखी हैं, जिससे कि मौजूदा चल रहे आरक्षण के विरुद्ध निर्णय आए। और एनडीए व इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों की नीयत ठीक होती और वो एससी व एसटी को मिल रहे आरक्षण में छेड़छाड़ आदि करके उसे खत्म नहीं करना चाहते, तो फिर मेरी इन सभी पार्टियों से ये अपील है कि ये सभी पार्टियां इस विषय पर, इस मुद्दे पर देश के समूचे एससी व एसटी समाज के समक्ष अपने स्पष्ट करें, और इसी चल रहे संसद सत्र में संविधान में उचित संशोधन लाकर ये स्पष्ट करें कि अनुच्छेद 341 व 342 के तहत माननीय राष्ट्रपति द्वारा घोषित एससी व एसटी जातियों के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ व उप वर्गीकरण करने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा, तथा इन सभी जातियों को आरक्षण प्राप्त होने के लिए एक समूह के रूप में ही देखा जाएगा।
ये इनको संशोधन संविधान में उचित संशोधन विधेयक इनको लाना चाहिए और ये सब लाकर इनको संविधान की में इसको शामिल करना चाहिए ताकि फिर भविष्य में कभी भी जो एससी एसटी का आरक्षण है उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ आदि ना हो सके। हालांकि ये नौबत नहीं आती, यदि इसको बहुत पहले ही संसद द्वारा संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जाता। हमारी पार्टी ने लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा में भी इस मामले को अनेकों बार उठाया है, लेकिन इसको टाल दिया गया क्योंकि जब बीजेपी पावर में रहती है वो भी इसको टाल मटोल करती है इस मामले को, कांग्रेस पावर में रहती है तो वो भी इस मामले को टाल मोल कर देती है। इससे स्पष्ट है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हो, उनकी वीकर सेक्शन के मामले में, खासकर दलितों व आदिवासियों के मामले में अभी इनकी जातिवादी सोच बदली नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ ये पार्टियां कर पाएंगी। इसके साथ साथ मेरी इस देश के सभी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोगों से ये खास अपील भी है कि इस समय इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति को अपने व अपने बच्चों के भविष्य तथा अपने संवैधानिक अधिकारों को नुकसान होने से बचाने के उद्देश्य से तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अपने अथक प्रयासों से इन वर्गों को जो संवैधानिक अधिकार दिलाए गए हैं तो उन्हें खत्म होने से बचाने के लिए इस स्थिति को अपने लिए एक आपातकालीन की स्थिति समझते हुए इन्हें एकजुट होना पड़ेगा तथा मात्र अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ व दबाव से प्रेरित न होकर या सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव डालकर उचित संवैधानिक संशोधन लाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। इस खास अपील के साथ ही अब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे देश में एससी व एसटी वर्गों के हितों में अपने पहली अगस्त सन 2024 के दिए गए फैसले पर खुद ही पुनर्विचार करके इसमें मेरी इन सब बातों को खास ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव लाए, तब्दीली लाए, वरना इन वर्गों में से आरक्षण के पात्र लोगों को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। नहीं नहीं, उसका खिलाफत इन्होंने नहीं किया, वो पूरा उन्होंने तो बल्कि इस मामले में वो ऐसी दलीलें रखते रहे कि जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देने में उनको और मदद मिल गई, चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हो या सरकार की ओर से खड़े हो, इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद ही की है इस मामले में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है और ये लोग एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको सीधा खुद ना खत्म करके माननीय कोर्ट के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये इसको खत्म करना चाहते हैं और इसमें ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं और हमारी पार्टी इसको लेकर बड़ी चिंतित है। जो एससी एसटी का पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था तो वो उसको वो लगभग खत्म सा हो गया था, उसको प्रभावी बनाने के लिए हमारी पार्टी ने उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इसमें संशोधन विधेयक लाइए और पदोन्नति में आरक्षण को पुनः प्रभावशाली बनाया जाए। जब ये बिल लाया गया तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि एससी एसटी वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिले, तो कांग्रेस उस समय पावर में थी तो कांग्रेस और बीजेपी खुद ना आगे आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको आगे किया और उनकी मिली भगत से
उन्होंने इस बिल को फाड़ा और इस बिल को पास नहीं होने दिया और अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। नहीं, अभी आंदोलन, मैं आपको जो बताया ना कि हम लोग तो बीजेपी कांग्रेस को ही कोस सकते हैं, क्योंकि इनको, इनके वकीलों को सही पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार को सही पैरवी करनी चाहिए थी। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मीडिया के माध्यम से हमने उनसे अपील की है आज कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, इस फैसले को बदले, वरना इस देश में जो करोड़ों दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं, तो जिनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, यदि ये खत्म हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि एससी में या एसटी में जो जातियां मजबूत, हर मामले में आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई हैं, तो उसमें से मैं समझती हूँ मुश्किल से 10 या 11% लोग मजबूत हो गए होंगे, बाकी 90% लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो लगभग 90% लोग जिनको अभी आरक्षण की जरूरत है, तो वो तो और ज्यादा पिछड़ जाएंगे, उनको ये आरक्षण अब मिलेगा नहीं। इस निर्णय के अनुसार यदि उन जातियों को निकाल दिया जाएगा, बहुत बुरा हुआ है ये। और केंद्र, और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम एससी एसटी समाज के हिमायती हितेशी हैं, उनको चाहिए, पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की Stone Cold Body Perfumes. जो 9-10% जो जाटव या इससे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते हैं, जात पात तरीके से देखते हैं, इसलिए अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, अभी ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था ना, हम लोग तो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसका पैमाना अभी तय किया नहीं है, बहुत ढुलमुल ये जजमेंट है। और इस तरीके से इसकी आड़ में राज्य सरकारें जो एससी एसटी को अभी तक रिजर्वेशन मिल रहा है, इसको बिल्कुल निष्प्रभावी बना देंगी, ना के बराबर इसको कर देंगी, लोगों को कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, हमारे को तो उन्होंने कब बुलाया ही नहीं, जबकि हमारी पार्टी इनके लिए लड़ाई लड़ती रही है। हमको भी बुलाते तो हमारी ओर से वकील जरूर जाता। भाई मैं आपको बताया कि ठीक है, आप आर्थिक नहीं, जो एससी एसटी के लोग हैं, इनका, इनको जो रिजर्वेशन मिला है, जो शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबर हैं, उस आधार पर मिला, तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है इन वर्गों के मामले में, वो अभी लोगों का बदला नहीं है, इसलिए इनको अभी रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, आप लोग तो बार बार एक ही चीज को, जो जिसका जवाब मैं दे चुकी हूँ, उन्हीं को ही बार बार पूछ रहे हो।